दोस्तों, मैं हूं शिखा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब? आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं कॉटन कुर्ता और कुर्ता सेट का रिव्यू। कलेक्शन ऐसा है जिन्हें आप डेली में इजिली पहन सकते हैं या फिर अपने वर्क प्लेस पर भी पहनकर जा सकते हैं। अफोर्डेबल, डिसेंट और बढ़िया कलेक्शन होने वाला है। बाकी जो भी डिटेलिंग है वो मैं वीडियो में ही क्लियर कर दूंगी, जहां से आपको इजिली मतलब उनके बारे में डिटेलिंग क्लियर हो जाएगी। और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो टी शर्ट है इसको भी मैंने अमेजोन से ही खरीदा था। काफी अच्छी क्वालिटी इसकी निकली है, काफी बार इसको वॉश कर चुकी हूँ, मशीन वॉश करती हूँ, तो क्वालिटी इसके अच्छे निकले। जरूर आप इसे ट्राई कर सकते हो। अच्छा, अगर आप बहुत ज्यादा ड्राई स्किन की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आज का ये रिव्यू आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए पहले रिव्यू चेक करते हैं। रेगुलर सोप्स हमारे स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई कर देती हैं, जिसकी वजह से बार बार लोशन अप्लाई करना पड़ता है, जिससे कि स्किन मॉइस्चराइज रहे। और बार बार लोशन अप्लाई करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अच्छा, ये चीज़ मैं बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, चलिए टेस्ट करके देखते हैं। अगर हम अपनी नॉर्मल स्किन का टेस्ट करेंगे ना, तो रेड इंडिकेशन आता है, दैट मीन्स कि स्किन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है। अब इस ड्राइनेस को कवर अप करने के दो तरीके हैं, या तो बार बार लोशन अप्लाई करते रहो, या कुछ ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करो जिससे एक बार में ही काम चल जाए। सो यस, यहाँ मैं बात कर रही हूँ मामा अर्थ मॉइस्चराइजिंग लोशन सोप। दिस इज़ द परफेक्ट 2-in-1 सोल्यूशन जो आपके स्किन को डीपली क्लीन करेगा और मॉइस्चराइज भी रखेगा। इसका मतलब ये सोप भी है और लोशन भी। सो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ वाइटामिन सी मॉइस्चराइजिंग लोशन सोप, विच इल्यूमिनेट्स योर स्किन एंड गिव इट अ नेचुरल ग्लो। यूज़ माई कूपन कोड फॉर 20% ऑफ ऑन mamaearth.in। प्लस ये प्रोडक्ट आपको Amazon, Flipkart, Nykaa, Purple और आपके नियर बाय स्टोर्स पर भी मिल जाएगा। एंड गाइज, एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम दैम, मामा अर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट। बाय 2025 मामा अर्थ इज एमिंग टू प्लांट 1 million ट्री एज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। ये प्रोडक्ट मेड सेफ सर्टिफाइड है। सोप के अंदर आपको एकदम नेचुरल फ्रेग्रेंस मिलेगी, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, रिच लेदर, एंड ये ना आपके स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और मॉइस्चराइज बनाने में हेल्प करेगा। और अगर बात करूँ मामा अर्थ उपटन सोप की, तो दिस इज द सोप दैट गिव्स द मॉइस्चराइजिंग बेनिफिट ऑफ लोशन वाइल इंश्योरिंग डीप क्लींस गुडनेस ऑफ उपटन विच जेंटली एक्सफोलिएट एंड डीटेन योर स्किन। उसके बाद जब मैंने अपना स्किन टेस्ट किया तो आप देखो, एक तो स्किन जो है बहुत मॉइस्चराइज लग रही थी, काफ़ी सॉफ्ट हो गई थी, और टेस्ट में भी सेम इंडिकेशन आया। ग्रीन इंडिकेशन मीन्स कि आपकी स्किन मॉइस्चराइज है। सो रेगुलर यूज़ के बाद आपको अपनी स्किन में एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जहां से आप इनकी इजीली शॉपिंग कर सकते हैं। से एक बहुत ही प्रिटी कॉटन का कुर्ता मैं आपको दिखाने वाली हूँ। इस तरह का पीस है जो समर में पहनकर बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, 3/4 sleeves, हाफ स्लीव्स, कट स्लीव्स तो हम यूजुअली देखते रहते हैं, लेकिन फुल स्लीव्स के लिए बहुत सारे डिमांड आती है। ये जो कुर्ता है कॉटन का कुर्ता है, इसमें आपको फुल स्लीव्स मिलेंगी, ब्लू कलर का है, जिस पर छोटी छोटी बूटियां हैं, तो पहनकर काफी ज्यादा डिसेंट ये लगा। कॉटन है, डार्क शेड है, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो इसके साथ स्पेगेटी की नीड नहीं होगी। नेक इसका राउंड है, यहाँ पर आपको बड़ा सा वी कट मिलेगा, यहाँ पर आपको ब्लू और व्हाइट कलर की पाइपिंग मिलेगी, बाकी आप देखिए पूरे में बूटियां हैं, पास पास बूटियां हैं, तो पहनकर ये अच्छा लग रहा था। इसके साथ आप कोई भी व्हाइट कलर की बॉटम मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह के जो कुर्ते होते हैं ना, इनके साथ लेगिन, जेगिन या फिर जो एकदम स्ट्रेट फिट बॉटम होती है, उनसे ज्यादा अच्छे प्लाजो लगते हैं, तो प्लाजो के साथ ट्राई करेंगे तो इसका लुक और भी ज्यादा सुपर्ब आएगा। ये है इसका फ्रंट लुक, पूरा ही प्रिंटेड ये बैक साइड से आएगा। फुल स्लीव्स के पैटर्न में इसकी बाजू है, और इसकी बाजू ना चूड़ीदार है, तो पहनकर बहुत ही ज्यादा अच्छा ये लग रहा था, मतलब एकदम कंफर्टेबल सा पीस है, रेंज वाइज भी अच्छा है, तो एक मस्ट हैव प्रोडक्ट ये है, जरूर आप इस पीस को ट्राई कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। अगेन एक और कॉटन कुर्ता, और ये भी अनारकली पैटर्न में है, इसे आप जीन्स के साथ किसी भी व्हाइट बॉटम के साथ इजिली मिक्स एंड मैच कर सकते हो। ब्रांड है इसका जयपुर कुर्ती, साइज मैंने इसका मीडियम लिया है, नेक इसका राउंड है, इससे पहले जो था ब्लू वाला उसका साइज भी मैंने मीडियम ही लिया है, नेक इसका राउंड है, फ्रंट से बैक नेक भी इसका राउंड है, पूरे पर आपको कुछ एकत प्रिंट काइंड ऑफ डिजाइन मिलेगा जो देख करके क्लियर हो जाएगा। मरून कलर का ये है, पहनकर अच्छा लगा था, फैब्रिक इसका कॉटन है, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। फ्लेयर की अगर मैं बात करूं तो इसका फ्लेयर अम्ब्रेला कट है, काफी अच्छा खासा इसका फ्लेयर है, बिल्कुल भी स्ट्रेट सा कुर्ता नहीं है, एग्जैक्ट लुक आपको साइड में क्लियर हो गया होगा। बॉटम में आपको मरून कलर की पॉम्पम वाली लेस मिलेगी, सेम यही लेस इसकी स्लीव्स पर मिलेगी, 3/4 sleeves आएंगी, और स्लीव्स बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, बहुत हल्का सा अम्ब्रेला कट लुक इसमें है,
बाकी इसका एग्जैक्ट लुक आपको क्लियर हो गया होगा, फ्रंट बैक दोनों तरफ से एक जैसा है, पूरा ही प्रिंटेड है, फैब्रिक अच्छा है तो पहनकर काफी ज्यादा कंफर्टेबल लगा, डेली में पहनने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, या फिर टीचिंग प्रोफेशन में है तो वर्क प्लेस पर भी इसको आराम से पहनकर जा सकते हैं, बाकी मतलब वर्क प्लेस की एकदम परफेक्ट ही है। नेक्स्ट पीस अगेन एक और बहुत ब्यूटीफुल कुर्ता, और ये है ब्रांड स्टाइलम से, जीन्स के साथ किसी भी वाइट बॉटम के साथ, सलवार के साथ, हर तरह से एकदम परफेक्ट लगेगा। फैब्रिक इसका रेयॉन है, साइज जो मैंने इसका लिया है, लेट मी चेक वंस, साइज मैंने इसका मीडियम लिया है, कलर इसका ब्लू है, लुक आप चेक कीजिएगा, कॉलर वाला इसका नेक है, पूरे ही फ्रंट में बटन वाली डिटेलिंग मिलेगी, लेकिन ये जो बटन है ओपनेबल नहीं है। ये है इसका एग्जैक्ट लुक, व्हाइट कलर से जो डिजाइन दिख रहा है पेंटेड पैटर्न है, और जो गोल्डन है ये वाला आपको मिलेगा फॉयल प्रिंट। एक नॉर्मल साइड स्लिट कुर्ता है, लेकिन ये फ्रंट से भी स्लिट है, कुर्ते की लेंथ बहुत अच्छी है, फैब्रिक इसका रेयॉन है, काफी अच्छा इसका फैब्रिक है। सो यस, ये है इसका फ्रंट लुक, पूरा ही प्रिंटेड है, बैक साइड से आएगा, एल्बो तक इसकी स्लीव्स आएंगी रोल अप होकर के, यहाँ पर स्ट्रिप लग करके एक वुडन बटन लगा हुआ है, फैब्रिक क्वालिटी में कोई कमी नहीं, किसी व्हाइट सलवार के साथ भी ना इसका लुक बहुत अच्छा आएगा, बाकी जीन्स के साथ भी अच्छी लगेगी, सिगरेट पैंट के साथ भी अच्छी लगेगी, प्लाजो के साथ तो लगेगी ही अच्छी, जरूर ट्राई कर सकते हो, एक मस्ट हैव प्रोडक्ट ये है, क्योंकि समर में इस तरह के कुर्ते बहुत ज्यादा स्किन फ्रेंडली होते हैं। नेक्स्ट पीस अगेन एक और बढ़िया सा प्रोडक्ट, रेंज वाइज मतलब काफी अच्छा है, फैब्रिक इसका थोड़ा मिक्स में है, और ये वाला कुर्ता मैंने ऑन डिमांड परचेज किया है, बिकॉज कुछ लोगों के कमेंट्स ये आते हैं कि शिखा इस तरह के पीसेस दिखाओ जिनके धुलने के बाद श्रिंक होने का डर ना हो, कलर जाने का डर ना हो, या बहुत ज्यादा हार्ड आयरन उस पर ना करनी पड़े। देखो कॉटन तो विदाउट आयरनिंग आप पहन ही नहीं सकते, लेकिन ये वाला जो प्रोडक्ट है ना हल्की फुल्की आयरन करके या घर में तो विदाउट आयरन भी इसको पहन सकते हो। साइज मैंने इसका लार्ज लिया, ब्रांड इसका गो सिरी की, कट स्लीव पैटर्न में कुर्ता है, ये आप देखिए इसका लुक पूरा ही फ्लोरल प्रिंट में ये है, कलर इसका काफी ज्यादा प्यारा है तो पहनकर अच्छा लगा, फ्लेयर इसका अम्ब्रेला कट है, काफी अच्छा फ्लेयर इसका, मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि स्ट्रेट सा कुर्ता ही आएगा। सो यस, ये है इसका फ्रंट लुक, ये है इसका बैक लुक, एग्जैक्टली आपको ट्राई ऑन में दिख करके क्लियर हो गया होगा, फैब्रिक मतलब काफी सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है, ऐसा नहीं कि खर खर वाला और अजीब सी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, वो चीज इसके साथ नहीं है। इसके साथ पैर अप में जो बॉटम आएगी, अगेन मिक्स फैब्रिक में बॉटम है, और मिक्स फैब्रिक है, कंफर्टेबल है, मतलब देखो कॉटन का फील तो नहीं देगा, लेकिन हाँ अच्छा फैब्रिक है, कंफर्टेबल फैब्रिक है, दोनों साइड इसमें इलास्टिक आएगी, और ये आप देखिए मतलब इसकी लेंथ विड्थ फिटिंग वगैरह सब कुछ एकदम परफेक्ट है, सिंगल सॉलिड कलर है, तो फर्दर मिक्स एंड मैच में भी आप इस बॉटम को यूज कर सकते हैं। थर्ड पीस आएगा शिफॉन का दुपट्टा, चारों तरफ पे बॉर्डर मिलेगा, बीच में मिलेगी आपको एम्ब्रॉयडर्ड बूटियां, दुपट्टे की लेंथ विड्थ अच्छी है, यार फास्ट फैशन का जमाना है तो इस तरह के पीसेस आप आराम से ट्राई कर सकते हो, बजट फ्रेंडली है, मतलब पॉकेट पर बहुत ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा और आपके पास एक अच्छी खासी वैरायटी हो जाएगी। नेक्स्ट पीस जो मैंने लिया था यार, मतलब मेरे को ये ना कैटलॉग इमेज में बहुत ही प्यारा लग रहा था, मतलब मुझे पर्सनली इस तरह के कुर्ता सेट अच्छे लगते हैं जिनका कुर्ता बॉटम प्लेन होता है और दुपट्टा उनका एकदम हैवी होता है, तो वही कुछ ध्यान में रखते हुए मैंने इस पीस को खरीदा। ब्रांड है इसका आयुक्ता, साइज मैंने इसका लार्ज लिया है, मजेंटा कलर का ये कुर्ता सेट है, ये आप देखो इसकी कैटलॉग इमेज, मतलब कैटलॉग में अच्छा लग रहा था, और ये आप देखिए कुछ इस तरह का इसका पैटर्न आएगा, कुर्ता जो है एकदम प्लेन है, इसका जो शोल्डर लुक आप देख रहे हो ये स्ट्रिप वाला है, तो कुछ इस तरह का लुक इसका पहनकर आएगा, मतलब मेरे को काफी ढीला आ रहा था तो मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर करके पहना, बाकी इसका जो ये वेस्ट पोर्शन है यहाँ पर आपको गैदरिंग मिलेगी, प्लेट्स मिलेंगी फ्रंट में भी और बैक में भी, फैब्रिक इसका रेयॉन है लेकिन इसका फ्लेयर कुछ भी ज्यादा सा नहीं है, बहुत ही स्ट्रेट सा है, तो इस तरह के जो कुर्ते होते हैं ना, मतलब अगर प्लेन आप पहन रहे हो तो बहुत ज्यादा स्ट्रेट अनारकली में वो अच्छे नहीं लगते, या तो एकदम हैवी फ्लेयर्ड हो उस तरह का अच्छा लगता है, या फिर स्ट्रेट कुर्ता ही हो। एक तो ये ना मेरे को स्ट्रेट सा लगा, फैब्रिक इसका रेयॉन है। सेकंड थिंग इसके बॉटम की बात करूं, ये है इसका बॉटम, सेम फैब्रिक का बॉटम है, बॉटम अच्छा है, मतलब प्लाजो इसका अच्छा है, अच्छी खासी विड्थ का है, कंफर्टेबल है, लेंथ भी अच्छी है, ऑल ओवर तो मेरे को सही लगा ये, लेकिन इसका जो दुपट्टा मुझे रिसीव हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो दुपट्टे की क्वालिटी बहुत ज्यादा खर खर वाली है, मतलब बिल्कुल भी अच्छा दुपट्टा नहीं है, मैगेंजा सिल्क इसका फैब्रिक है। सेकंड थिंग दुपट्टे की लेंथ जो है बहुत ही ज्यादा कम है, ये आप देखो डबल फोल्ड करके सिर्फ इतना ये दुपट्टा है, मतलब बहुत ही छोटा सा दुपट्टा है, इसे आप किसी भी तरह से स्टाइल नहीं कर सकते, साइड में भी डालोगे ना तो भी बहुत ज्यादा छोटा लगेगा, स्कार्फ की तरह आप इसको इसलिए डाल सकते हैं क्योंकि ऑर्गेंजा सिल्क फैब्रिक का बहुत ज्यादा खड़ा खड़ा लग रहा था, तो मैंने अपना एक फुलकारी दुपट्टा इसके साथ मिक्सर मैच किया और मुझे उस तरह से भी अच्छा ये नहीं लगा, मतलब वो लुक ही नहीं आया कुर्ते का। सो यस, ये वाला कुर्ता सेट मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी,
रेंज वाइज कम है लेकिन कोई फायदा नहीं, मुझे ऐसा लगा कि उस रेंज के अकॉर्डिंग भी मतलब इसमें मुझे अपने पैसे वेस्ट लगे। सो यस, ये वाला प्रोडक्ट जो है वो नॉट रिकमेंडेड है। नेक्स्ट पीस समर के लिए है एक प्यारा सा कुर्ता जिसे आप जीन्स के साथ इजिली ट्राई कर सकते हो। ये है ब्रांड MYX से, इसमें आपको एक और कलर ऑप्शन मिल जाएगा, उस कलर का रिव्यू भी मैं शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पर। साइज मैंने इसका मीडियम लिया है, शॉर्ट लेंथ का ये कुर्ता है। काफी सारे लोग ये भी बोलते हैं कि मतलब थोड़ा शॉर्ट लेंथ में कुर्ता दिखाओ, तो ये वाला आप देख लीजिएगा। कोरल प्रिंट है, फैब्रिक इसका प्योर कॉटन है, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। प्लस इस तरह के कलर ना समर में पहनकर बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। बाकी आपको लुक दिखने से क्लियर हो गया होगा, ट्राई ऑन में भी क्लियर हो गया होगा। ये था फ्रंट, ये था बैक लुक। 3/4 इसकी स्लीव्स आएंगी और क्योंकि पूरा ही प्रिंटेड है तो आई थिंक ऐसा इसमें कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। फैब्रिक भी अच्छा है, रेंज वाइज एक अच्छा प्रोडक्ट है। नेक्स्ट और लास्ट वन जो है ये भी कॉटन का ही पीस है, ये है एंडिया ब्रांड से, साइज मैंने इसका मीडियम लिया है और ये भी एक ओके पीस है। लुक एट दिस, नेक इसका राउंड है, फ्रंट से बैक नेक भी इसका राउंड है, छोटा सा वी कट है। यहाँ पर आपको फॉल्स मिरर की डिटेलिंग मिलेगी जिसकी कवरिंग रेशम थ्रेड से है। अच्छा, इसका जो लुक है ना मतलब ब्लू कलर है, लेकिन ब्लू भी वैसा वाला है जैसी जीन्स होती है ना, मतलब डेनिम ब्लू का कलर है, तो पहनकर वो एकदम ऐसा होता है ना कि पीस पहनकर लगे कि कुछ नया पीस पहना है, मतलब वो नयापन इसको पहन करके नहीं आया, थोड़ा डल डल ये लग रहा था। ठीक है, मतलब ओके पीस है, इतना ज्यादा खास मुझे नहीं लगा। बाकी ट्रायल में आपको इसका लुक क्लियर हो गया होगा। साइज मैंने इसका मीडियम वियर किया है, ये था फ्रंट लुक, ये है बैक लुक। 3/4 इसकी स्लीव्स आएंगी, यहां पर भी आपको सेम ही मिरर वर्क की डिटेलिंग मिलेगी। मतलब एक को ओके लगा, तो मैं इस रेंज में इस प्रोडक्ट को भी रिकमेंड नहीं करती हूँ। सो यस गाइज, ये था मेरा आज का कंप्लीट कलेक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, अच्छा लगा। पहली बार चैनल देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आपने बेल आइकन को हिट नहीं किया है तो बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए बाय बाय।